अभी तक आपने देखा कि डॉक्टर डॉन्ग ने पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया। उसको रोकने के लिए सुपर यश बार बार कोशिश करता है और अंत में उसे पकड़ लाता है, लेकिन डॉक्टर डॉन्ग उसे चकमा देकर भाग जाता है और सुपर यश के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाता है। लेकिन सुपर यश इससे हताश नहीं होता और प्रोफेसर खुराना के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, लेकिन वो अपने जाल में खुद फंस जाता है और डॉक्टर डॉन्ग उसे पकड़ लेता है। इस 15 मिनट के मेगा एपिसोड में देखिए क्या वो कोरोना की वैक्सीन ला पाएगा। उठ गए सुपर यश। डॉन्ग, चिल्लाने की जरूरत नहीं है सुपर यश। अगर तुमने कुर्सी से उठने या अपनी मुट्ठियां खोलने की कोशिश की तो मेरा लगाया हुआ बम तुरंत फट जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझको मरने से डर नहीं लगता डॉन्ग, लेकिन मैं अपने देश के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। पूरा मूड खराब कर दिया देशभक्ति की बात करके। बड़ा शौक है ना तुम्हें मरने का, तो लो मरो, बस कुछ ही सेकंड में हो जाएगा तुम्हारा काम। 35। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो असंभव नामुमकिन इम्पॉसिबल है सुपर यश, क्योंकि जीते जी तो अब हमारी मुलाकात होने से रही। मरने के बाद तुम भगवान गॉड रबल्ला के पास जाओगे, स्वर्ग हूर हेवन में, और मैं तो जाऊंगा सिर्फ नरक नरक और नरक में। बाय बाय सुपर यश, अपने मौत के मजे लो। प्रोफेसर, तुम अभी भी मुझसे कनेक्टेड हो और मेरी मदद करने के लिए अभी तक नहीं आ पाए हो। अरे कुछ नहीं, बस पर्ची काट रहा था। क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। जल्दी आओ। अरे रुक जाओ, बस चाय पी के आ रहा हूं। जल्दी आओ प्रोफेसर, सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी हैं। तो ये लो, मैं तुरंत आ गया। पर तुम आओगे कैसे? मैंने तुम्हारे अंदर एक मशीन रखी है। क्या? अरे शरीर के अंदर नहीं रखा, जेब के अंदर रखा है। ध्रुवा देख देख के पगला गए, मना करता हूँ मत देखा करो। अरे शोर, आ गया मशीन लेकर, मैं आ गया। ए, मैं आ गया सुपर यश। जल्दी करो, यही वो टाइम बॉम है। ये लो मुझे पालो। ये क्या है? क्या 8 महीने से कोई वीडियो नहीं आ रही? ये लो मुझे पालो, इस्तीफा दे दो प्रोड्यूसर के पद से। इसको दबा कर निकाला जाता है। चुप रहो, ज्यादा मत बताओ, आता जाता कुछ नहीं। कहा था दबा कर निकालो, करो ये नहीं माना जाएगा। यार निकल गया था वो तो। चुप रहो, बहस मत करो। एक सेकेंड, तुमको टाइमर डिफ्यूज करना आता है ना? किस चीज के तुम इंटरनेशनल प्रोफेसर हो? सही बताऊं तो ओपन यूनिवर्सिटी से पेपर देके पास हुआ था, मेरी डिग्री भी फेक। मुझे नहीं आता टाइम, मुझे जाने दो। जाओ, अब यही दिन देखने को रह गया था कि तुम मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे। बार बार पे ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। क्या क्या कर रहे हो ये? एक्टिवेटेड। सिर्फ 10 सेकंड का टाइमर। पकड़ पकड़ पकड़। खत्म हो गया सुपर यश। मुझे प्रोफेसर, ये तुम्हारी लैब तो मुझको नहीं लग रही। भागो भागो, नहीं पकड़ लेगा। रुक जाओ, मैं वैक्सीन लेने आया था और वैक्सीन लेकर जाऊंगा। तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो। अरे वो तो डॉन का आदमी, हमें देख ले गए, भागो। पीछे रहता, आओ मेरे साथ। यहाँ डॉन्ग के यहाँ काम करने मुझे बड़ा आराम है। मुझे सिर्फ 2 ही काम करना है, एक सुबह के 12 से रात के 12 तक ड्यूटी और दूसरा रात के 12 से सुबह के 12 तक ड्यूटी। जिंदगी नरक हो गई है मेरी, आराम करने को नहीं मिलता। इससे अच्छा मेरा पहले वाला ही काम था। माई दे माई दे माई दे माई दे माई दे। लगता है तुमको आराम करने को नहीं मिलता। कौन कौन हेलो। हाँ प्रोफेसर,
तुम सर्वर रूम में ही रहना और सारे कैमरा पर नजर रखे रहना। सूट निखा, वनराज सा का खाना कहाँ पर है? वो मोटू के पापा, आपका खाना बाहर कुत्तों के बगल में, जल्दी आए वरना ठंडा हो जाएगा। ओ, मैं चलती हूँ। जी श्री कृष्ण। क्या संस्कार है, क्या सीरियल है। अरे तुम भी आओ बैठो, कितना अत्याचार होता है बेचारी के ऊपर। क्या हो क्या हो गया? सर मेरे पड़ोस के एक भैया, तो उनके एक साढ़ू है जो कि उनके भाई के साले लगते हैं, उनके मामी के चाची के मामा के दादा के बेटे हैं, उनके मम्मी के चाची के चाचा के साली के साला है, और उनके मम्मी को क्या कोरोना हो गया है? नहीं, उनके मम्मी को छोड़ के बाकी पूरे खानदान का कोरोना हो गया। अपने मकसद में मैं ऐसे ही कामयाब होता रहूंगा। लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या? वो जो मेरे पड़ोस के भैया के जो रिश्तेदार, उनकी जो मम्मी, उनको अकेले में बैठ के सीरियल देखना नहीं पसंद है, और ये उनका फेवरेट सीरियल है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मेरी मम्मी की भी यही आदत है। ये लो। क्या तिजोरी की चाबी? नहीं, ये मेरे तिजोरी का ताला है, ले जाओ। चाबी में लगा के खोल लेना, उसके अंदर एक वैक्सीन लेके जाना और किसी एक को लगा देना, और वो बोर नहीं होंगी, साथ में सीरियल देखेंगे। क्या संस्कार है। रुको, तुम्हारे सर पे सुपर एस की टोपी क्या कर रही है? आराम करो डॉक्टर डॉन। ये क्या है? अपना रिसीवर चेक करो। यस सर। सुपर यस वैक्सीन चुरा के भाग रहा है, उसे पकड़ो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो प्रोफेसर, मैंने वैक्सीन का सैंपल तो ले लिया है, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच डॉन के कुछ आदमी खड़े हुए हैं। अरे यार, मैंने तुम्हें बहुत स्पेशल गन दी है, उठाओ और शुरू हो जाओ। तो चलो थोड़ा एक्शन सीन कर लेते हैं। कहाँ मर गए ये सब के सब? सुपर यस। वेलकम डॉक्टर डॉन्ग। आज तुम्हारी कहानी मैं हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा सुपर यस। ये तो तुम पार्ट वन से कह रहे हो डॉक्टर डॉन्ग। क्या हुआ डॉन्ग? शिट। हाँ,
शिट, पता नहीं ये गोली कैसे खत्म हो गई। गोलियां तो नहीं बची, लेकिन अगर जान बचानी है तो वैक्सीन मेरे हवाले कर दो। डोंग, तुम्हें मारना हो तो मुझे मार लो, लेकिन मैं कोरोना की वैक्सीन तुम्हें वापस नहीं करने वाला। तुम नहीं तो अब तुम्हारी लाश मुझे वैक्सीन देंगी। रुक जाओ, इसे मत मारना, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। प्रोफेसर, तुम क्या कर रहे हो ये? शांत रहो, इसी में हमारी भलाई है। मैं तुम्हें निकल। प्रोफेसर, क्या किया ये तुमने? क्या सोचा, वैक्सीन मिलने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? मरो बेवकूफो। प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। डोंग, तुम्हें मारना होता तो मुझे मारते, मेरे दोस्त को क्यों मारा? हाँ प्रोफेसर, प्रोफेसर। अब मेरा मन बदल गया है सुपरयास, अब मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। तुम्हारी यही सजा है कि तुम जिंदगी भर अपने ऊपर लगे गद्दारी के इल्जाम को ढो और तड़प तड़प कर मरो। न्यूज लगाई जाए। दोस्तों, अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि सुपर एश ने अपने जान पर खेलकर कोरोना की वैक्सीन हासिल कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने, अभी अभी स्वास्थ्य मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुपर एश ने बताया कि वो और हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर खुराना ने एक मिशन के अंतर्गत डॉक्टर डोंग से यह वैक्सीन छीन ली है। सुपर एश ने यह भी बताया कि इस मिशन के दौरान इन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ और इन दोनों ने बहुत ही चालाकी से ये वैक्सीन हासिल कर ली। सबसे बड़ी बात कि अब हमारे देश में बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा और जिसके चलते करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। और इससे भी बड़ी यह बात कि सारे देशों को अब डॉक्टर डोंग को एटम बॉम्ब नहीं देना पड़ेगा, जिसके चलते हमारे सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी है। और हमें पूरा यकीन है कि वह कंगाल डॉक्टर डोंग इस वक्त कहीं बैठ कर रोता होगा और कुर्सी पीटते हुए कहता होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। किसने अपने मौत को दावत दी है आज? तुम, आखिर तुम्हारा दोस्त जिंदा कैसे बच गया और तुम वैक्सीन लेके कैसे भाग गए? कैसे? ये जानकर तुम कर भी क्या लोगे डॉक्टर डोंग? पता नहीं ये गोली कैसे खत्म हो गई। गोलियां तो नहीं बची, लेकिन अगर जान बचानी है तो वैक्सीन मेरे हवाले कर दो। हेलो प्रोफेसर, मेरी गोली खत्म हो गई, पता नहीं कौन सी बंदूक दी थी तुमने। अब हमें हार माननी ही पड़ेगी। क्या? अरे मैं डोंग को वैक्सीन दे दूंगा, तुम्हें जिंदा छोड़ देगा, चिंता मत करो। पर वैक्सीन तो मेरे पास है। अरे यार, ये बात डोंग को थोड़ी नहीं पता है, यहाँ उसकी लैब में इतनी सारी डिब्बियां पड़ी है, किसी में भी जीपीएस लोकेट भर के उसे पकड़ा दूंगा। वैसे भी पागल है, समझ नहीं पाएगा। पर वो बेईमान डोंग कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे इसकी लैब में इतनी वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं, सोचा अपनी लैब के लिए भी दो चार को चोरी कर लूँ। अरे उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिल गई, बस वो मत्थे पे गोली ना मारे, हे भगवान बचा लेना। चोर के घर भी चोरी कर ली तुमने, बहुत सही। तुम्हारे प्रकोप से तो डोंग भी नहीं बच पाया। आओ आधे मिनट में मिलो यहीं पे। डोंग, तुम्हें मारना हो तो मुझे मार लो, लेकिन मैं कोरोना की वैक्सीन तुम्हें वापस नहीं करने वाला। देखिए मेरी एक्टिंग। चलो, तुम्हारे एक्टिंग में दम नहीं है, मैं डोंग की जगह होता तुम्हें पकड़ लिया होता। मशीन बन गई है? हाँ चलो। खैर, मैंने तुमको ये बताने के लिए फोन किया था कि 10 सेकंड के अंदर तुम्हारी आजादी छीनने वाली है। क्या मतलब? यू आर अंडर अरेस्ट डॉक्टर डोंग, हैंड्स अप। सुपरयास, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उठो। हाँ। उठो। गुड बाय डॉक्टर डोंग। हमारे जीवन की सबसे बड़ी औषधि प्रसन्नता है, इसे तुरंत प्राप्त करने के लिए रद्दी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखते रहें।